आने वाले 5 साल आप देख रहा, कोई भी इंटरनेशनल खेल की कंपटीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें भारत का झंडे हर जगह बढ़ना था। मैं देखने वाला हूँ 5 साल खेल जगत के अंदर दुनिया में भारत के युवा की शक्ति की पहचान देने। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में भारत का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह ट्रांसफॉर्म होने वाला है। अगले 5 साल में गरीब और मिडिल क्लास को तेल और शानदार यात्रा की सुविधाएं बहुत आसानी से मिलने वाली है, तेज मिलने वाली है, पूरी ताकत से बढ़ोतरी होने वाली है। अगले 5 साल में देश बुलेट ट्रेन भी देखेगा और देश वंदे भारत ट्रेन का विस्तार भी देखेगा। आदरणीय सभापति जी, अगले 5 साल में आत्मनिर्भर भारत का अभियान नई ऊंचाई पर होगा, देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता नजर आएगा। आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 साल में मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर दुनिया में हमारी गूंज होगी, इलेक्ट्रॉनिक हर गुड में वो चीफ होगी जिसमें किसी न किसी भारतीय का पसीना होगा। आदरणीय साहब, दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक बाजार में एक नई गति का सामर्थ्य आने वाले 5 साल में देश देखेगा। आदरणीय सभापति जी, आज देश लाखों करोड़ रुपए का तेल इंपोर्ट करता है, अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम करेंगे और मुझे विश्वास है हम ऊर्जा जरूरतों पर जो डिपेंडेंसी है वो कम करने में सफल होंगे। इसे इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, ग्रीन हाइड्रोजन अभियान हम दुनिया के बाजार को लालायित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारा ग्रीन हाइड्रोजन ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का सामर्थ्य रहेगा। इथेनॉल की दुनिया में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, हम 20% का लक्ष्य प्राप्त करके हमारे लोगों को ट्रांसपोर्टेशन में सस्ता मिले इसकी व्यवस्था होगी। आदरणीय सभापति जी, जब मैं 20% इथेनॉल की बात करता हूँ उसका सीधा लाभ मेरे देश के किसानों को होने वाला है, किसानों की नई बचती है। देश के हजारों करोड़ रुपया खाद देते हैं, हम कृषि प्रधान देश तो कहते हैं, लेकिन आज भी हजारों करोड़ रुपयों का खाने का तेल हमें बाहर से लाना पड़ रहा है। हमारे देश के किसानों पर मुझे भरोसा है और मैं मुझे पक्का भी जो नीतियों को लेकर हम चलते हैं एडिबल ऑयल में मेरा देश बहुत एक आत्मनिर्भर 5 साल में हो जाएगा और जो पैसा बचेगा मेरे देश के किसान की जेब में जाएगा जो आज विदेश के बाजार में जाता है। आदरणीय सभापति जी, केमिकल की खेती के कारण हमारी धरती माँ को बहुत नुकसान हो रहा है, आने वाले 5 साल में नेचुरल फार्मिंग की तरफ देश के किसानों को ले जाने में हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेंगे, एक नया जागृति का काम होगा, हमारी धरती माँ की भी सुरक्षा होगी। आदरणीय सभापति जी, नेचुरल फार्मिंग बढ़ने से दुनिया के बाजार में भी हमारे उत्पादों की ताकत बढ़ने वाली है। आदरणीय सभापति जी, यूएन के माध्यम से मैंने मिलेट का अभियान चलाया, श्री अन्न तक के रास्ते आज हमने उसकी पहचान दी है। मैं वो दिन दूर नहीं देखता हूँ जबकि आने वाले 5 साल में दुनिया के बाजार में सुपर फूड के रूप में मेरे गांव के छोटे छोटे किसानों के द्वारा पैदा हुआ मिलेट श्री अन्न दुनिया के बाजार में प्रतिष्ठा होगी, सुपर फूड की प्रतिष्ठा होगी। आदरणीय सभापति जी, ड्रोन खेतों में एक नई किसानों की ताकत बनकर के उभरने वाला है। 15,000 ड्रोन दीदी का कार्यक्रम ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये तो शुरुआत है, आगे बहुत सफलता दिखती है। आदरणीय सभापति जी, हम नैनो टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर में लाने में प्रयोग अब तक सफल हुए हैं, हमने नैनो यूरिया में बहुत बड़ी सफलता पाई है, नैनो डीएपी की दिशा में सफलता पाई है और आज एक बोरी भर खातर लेकर के घूमने वाला किसान एक बॉटल के खातर से काम चला लेगा, वो इतनी दूर नहीं है। आदरणीय सभापति जी, सहकारिता क्षेत्र में हमने एक नई मिनिस्ट्री बनाई है, उसके पीछे इरादा है कि एक सहकारिता का पूरा जन आंदोलन नई ताकत के साथ उभरे और 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुसार उभरे, उसको भी हम और उसका सबसे बड़ा लाभ हम 2 लाख भंडारण का काम जो हाथ में लिया है जब 5 साल के भीतर भीतर वो पूरा हो जाएगा, छोटा किसान को भी अपनी पैदावार को रखने की जगह मिल जाएगी। किसान तय करेगा
किस भाव से बाजार में बेचना है नहीं बेचना है, उसको जो बर्बाद होने का डर था वो खत्म हो जाएगा और किसान की आर्थिक ताकत बढ़ जाएगी। पशुपालन और मछली पालन पक्का मैं कहता हूँ नए रिकॉर्ड बनाने वाले। आज हमारे यहाँ पशु की संख्या है लेकिन दूध की उत्पादन कम है, हम स्थिति को बदल देंगे। फिशरिंग एक्सपोर्ट करने की दुनिया में हम बहुत बड़ी तेजी से विकास करेंगे, ये भी मेरा पूरा विश्वास है। हमने एफपीओ की जो रचना का प्रारंभ किया है अनुभव बहुत अच्छा है। 5 साल के भीतर भीतर किसानों की एक नई संगठन की शक्ति और कृषि उत्पादन में वैल्यू की ताकत, ये लाभ मेरे देश के किसानों को अवश्य मिलने वाला है। आदरणीय सभापति जी, G20 की सफलता ने साफ कर दिया है और दुनिया में कोविड के बाद जो खुलापन आया उस खुलापन का सबसे बड़ा लाभ हमने देखा है कि विश्व का ध्यान भारत की तरफ गया है और इसलिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र टूरिज्म आने वाले दिनों में होने वाला है और जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला है। आज विश्व के कई देश है जिसकी पूरी इकोनॉमी टूरिज्म पर निर्भर है, भारत में भी बहुत से राज्य ऐसे बन सकते हैं जो उनकी पूरी इकोनॉमी का सबसे बड़ा हिस्सा टूरिज्म होगा और वो दिन दूर नहीं है। जिन नीतियों को लेकर के हम चल रहे हैं भारत एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनने वाला है। आदरणीय सभापति जी, जिसका हिसाब किताब पहले बहुत कम हुआ करता था, जिसकी बातें सुन करके हमारी मजाक उड़ाई जाती थी, जब मैं डिजिटल इंडिया की चर्चा करता था, जब मैं फिनटेक की चर्चा करता था, तब मैं जरा आउट ऑफ बॉक्स की बातें कर रहा हूँ ऐसा लोगों को लगता था, आउटडेटेड सोच वालों के लिए सामर्थ्य का अभाव था। लेकिन मैं पूरा विश्वास से कहता हूँ आदरणीय सभापति जी, आने वाले 5 वर्ष डिजिटल इकोनॉमी की दुनिया में भारत का डंका बजने वाला है। भारत एक नई शक्ति है और डिजिटल व्यवस्थाएं भारत के सामर्थ्य को बढ़ाने वाली है। विश्व मानता है कि AI का सबसे ज्यादा उपयोग कोई करने का सामर्थ्य किसी देश में होगा तो हिंदुस्तान में होगा। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग मेरा देश करेगा। आदरणीय सभापति जी, स्पेस की दुनिया में भारत का नाम रोशन हो रहा है, हमारे वैज्ञानिकों का पराक्रम नजर आने वाला और आने वाले 5 साल का जो कार्यक्रम है ना, मैं आज उसको शब्दों में बयान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन विश्व को अचंभित करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक स्पेस की दुनिया में भारत को ले जाएंगे, ये मेरा पक्का विश्वास है। आदरणीय सभापति, ग्रास रूट लेवल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा बदलाव, 10 करोड़ स्वयं सहायता जूथों में हमारी माताएं बहनें जुड़ी हो और 3 करोड़ हमारी लखपति दीदी, ये अपने आप में हमारे बेटियों के उत्कर्ष की गाथा लिखकर। आदरणीय सभापति जी, ऐसे अनेक विविध क्षेत्र हैं जिस क्षेत्र में मैं साफ देख रहा हूं आने वाले 5 साल भारत, कभी हम सुना करते थे स्वर्णिम युग था, मुझे वो दिन दूर नहीं दिखते जब 5 साल में वो मजबूत नींव आएगी और 2047 तक पहुंचते पहुंचते ये देश उस स्वर्णिम युग को फिर से जीने लगेगा, उस विश्वास के साथ। आदरणीय सभापति जी, विकसित भारत ये शब्दों का खेल नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है और इसके लिए हम समर्पित भाव से हमारी हर सांस उस काम के लिए है, हमारी हर पल उस काम के लिए है, हमारी हर सोच उस काम के लिए समर्पित है। उसी एक भावना के साथ हम चले हैं, चल रहे हैं, चलते रहेंगे और देश आगे बढ़ता रहेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। आने वाली सदियां इस स्वर्ण काल का इतिहास में अंकित करेगी, ये विश्वास मेरे मन में इसलिए है, देश की जनता का मिजाज मैं भली भांति समझ पाता हूं। देश बदलाव के 10 साल के अनुभव को देखा है, एक एक क्षेत्र में जो बदलाव देखा है वो तेज गति से बदलाव जीवन के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां, नई ताकत प्राप्त होने वाली है और हर संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ये हमारी कार्यशैली का हिस्सा है। आदरणीय सभापति जी, मैं फिर एक बार इस सदन में आप सबने जो विचार रखे उसके कारण देश के सामने सत्य रखने का मुझे जो अवसर मिला और डंके की चोट पर सत्य रखने का अवसर मिला और सदन की पवित्रता के बीच रखने का अवसर मिला है, संविधान की पूरी साक्ष्य रख करके ये विचार रखने का अवसर मिला है, मुझे विश्वास है कि देश जिनकी वारंटी खत्म हो गई है उनकी बातें सुन नहीं सकता है, जिसकी गारंटी की ताकत देखी है उसके विचारों के भी विश्वास करते हुए आगे बढ़ेगा। तो फिर एक बार आदरणीय सभापति जी आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आदरणीय राष्ट्रपति जी को मेरी तरफ से उनके व्याख्यान के लिए आदरपूर्वक अभिनंदन
और आभार व्यक्त करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेमने संबोधन करू અને તેમણે અનેક વિકાસના જે કામો કરેલા છે ભાજપી સરકારે એ પણ ગણાવ્યા અને હજુ આગામી 5 વર્ષમાં નવી બુલેટ ટ્રેન સહિતના અનેક વિકાસલક્ષી કામો કરવામાં આવશે બાબતનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો।